किसी भी अपनी एक्सपर्टी को लेकर 6 माह उसको जरूर दें। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़े, आप उसके ऊपर मेहनत करें, नेक नीति से मेहनत करें, इंशाल्लाह आप जो है वो कामयाब होंगे। इस सोशल मीडिया के जितने भी टूल्स हैं, जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक, हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें जो आपको फ़ायदा दे सके। हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे बात करते हैं, कभी हम HR से रिलेटेड बात करते हैं, कभी हम हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं, IT से रिलेटेड बात करते हैं, यानी ज़िंदगी के हर पहलू पे बात करते हैं जिसकी ज़रूरत आज के दौर में बहुत ज़्यादा है। आज भी हम बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से। हम बहुत से चैनल्स पे सुनते हैं, ऑब्वियसली सोशल मीडिया के अगर कोई मुस्बत असरात हैं, मनफी असरात भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ मनफी असरात को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और जो मुस्बत पहलू हैं उनको ज़रा लो रखा जाता है। तो आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया को पॉजिटिव एस्पेक्ट में किस तरह से हम लेकर चल सकते हैं, जो आपके लिए एक फेमिलैरिटी का तो एक बनेगा पर्पस, आपके लिए फाइनेंस भी बेहतर बना सकता है। सेकंड चीज़ हम ये देखेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स के पास डिग्रीज हैं, स्किल्स भी हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता उन स्किल्स को हम यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों ऐसी कि आप वजूहात हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए, जिनका सलूशन होना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को ग्रो कर सकें। क्योंकि जब तक हम अपने प्रोफेशनली अपने आप को ग्रो नहीं करेंगे, हम अपने आप को यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचा सकते। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। सर साजिद अली मौजूद हैं जो कि CEO हैं KB क्रिएटिव के। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं सर को अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप स्ट्रेटजीज़ को लेकर चल रहे हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ आप कनेक्ट हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चलना भी एक आर्ट है। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ आप हमें थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में बताएं, किस तरह से ये इंडिविजुअली, क्योंकि पहले आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक थे, अब आपने अपना एक इंडिविजुअल सेटअप बनाया है, तो इसके पीछे की जो अनगिनत मेहनत है हमें थोड़ा सा वो भी बताइएगा। सबसे पहले थैंक यू सो मच। मेरा जो जर्नी है बेसिकली, तो मैं जो डिग्री है मेरी मैनेजमेंट साइंसेस की MBA के बाद जो है मेरी जॉब मैंने की तकरीबन 4 से 5 साल, लेकिन जॉब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी। आपको पता है मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर बंदे बहुत कम मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जॉब अच्छी थी, लेकिन बात फिर वही है कि हर बंदे का एक माइंड सेट होता है ना कि यार जॉब कब तक मैंने जॉब करनी है। तो मैंने तकरीबन को 5 साल 6 साल तकरीबन इस टेन्योर के अंदर मैंने जॉब की है। उसके बाद जो है वो मुझे फ़ील हुआ कि यार उसके अंदर जॉब्स के अंदर इश्यूज आपको पता ऑब्वियसली आते रहते हैं, टारगेट्स भी आते हैं नए, उसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, उसके अलावा आपके जो एक मेंटली आप जो है ना वो जहनी जो है ना आपके अंदर जो एक स्ट्रेस बनी रहती है, जहनी अजियत जिसको बोलते हैं, तो जहनी अजियत का शिकार बंदा ज़रूर रहता है जो उसके अंदर आप जो मर्जी जिस मर्जी लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने बस यही फ़ैसला किया कि यार, क्योंकि ये बचपन से शौक था इन चीज़ों का, कंप्यूटर तो Pentium 1 से मुझे याद है कि मैंने पहला सिस्टम लिया था Pentium 1, तो वहाँ से स्टार्ट लिया ये सारा। तो एक शौक़ था मुझे, वीडियो मेकिंग का शौक़ था, तो इन सारी चीज़ों में स्टूडेंट लाइफ में ना तो कुछ आइडियाज़ थे, तो मैंने उसी चीज़ को फिर दोबारा जो मैंने कहा यार इसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि इस जदीद दौर के अंदर इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स भी हैं और बढ़ती चली जा रही थी। तो फिर मैंने जो है वो फैसला यही किया कि मैं इन्हीं चीज़ों को दोबारा स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने अकेले ही स्टार्ट किया था, पैसे नहीं थे क्योंकि जॉब छोड़ दी थी, तो 5-6 माह तो वही जो बजट सेविंग्स थी वो मैंने लगा दी। फिर एटलीस्ट यही फैसला किया कि मैं जो है वो अपना एक सेटअप बनाऊँगा, तो मैंने अपने घर से ही स्टार्ट लिया था, वो ड्राइंग रूम से जिसको हम बैठक बोलते हैं, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। मेरे पास ऑलरेडी जो सिस्टम था उसी को मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की, और वहाँ से मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग्स और फेसबुक मार्केटिंग, क्योंकि तब भी मुझे फेसबुक का ही इतना आइडिया था, तो इन चीज़ों के ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया।
और टारगेट ये रखा था यार लोकल लेवल के ऊपर मैंने ना इस चीज़ को लेके चलना है। तो लोकली मैंने क्या किया, जो इंस्टीट्यूट थे, स्कूल थे, कॉलेजेस थे, वहाँ पे चला गया, उनको मैंने बताया कि यार मैं आपकी मार्केट करूँगा तो आपसे पर मंथ मैंने जो है ना वो 5000 चार्ज करना, सिर्फ मैंने यही टारगेट रखा था। अच्छा, वो 5000 मैंने ये रखा टारगेट कि मैंने हर मंथ जो है वो 10 क्लाइंट्स पकड़ने हैं। अब जारी सी बात है वो 10 क्लाइंट मेरा 50000 निकल रहा था घर पे बैठे हुए। तो इसी तरह से करते करते ना तो 2 या 3 माह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, वैल्यू ऐड भी होती गई, क्लाइंट भी ऐड होते गए, टीम भी बनती गई। फिर मैंने एक ऑफिस बना लिया, छोटा ऑफिस था, फिर उससे बड़ा ऑफिस बना लिया, फिर मैं मूव किया लाहौर, बड़ी मार्केट थी क्योंकि यहीं पर मैंने जॉब्स की हैं, तो एक लिंक्स थे तो उन्हीं को दोबारा से जो है वो लिंक्स को उठाया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंपनी है, पूरी टीम है, काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा। लेकिन वही चीज़ है, आप कंसिस्टेंट रहे, उस चीज़ से भागे नहीं, करने का शौक था और हुनर था तो आपने उसको यूटिलाइज किया। अच्छा असर, हम देखते हैं सोशल मीडिया बड़े ही हम आए दिन मनफी, मेरा ख्याल है ज़्यादा पहलू डिस्कस किए जाते हैं, पॉजिटिव को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता, तो क्या लगता है आपको सोशल मीडिया हमारी लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट किस तरह से ऐड कर रही है? देखिए आज के इस दौर में ना, हम आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि पॉजिटिविटी का तो नाम निशान ही ख़त्म हो गया, ख़ास तौर पे हमारे इस रीजन के अंदर मैं बात करूँ तो एशिया के अंदर तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तान उसमें माशाल्लाह से टॉप पे, बल्कि अफसोस से पहले नंबर पे आता है, टॉप पे आता है। उसकी बेसिक वजह ये है कि हमारी जो है वो एक तो डायरेक्शन नहीं है बच्चों की, डायरेक्शन सेट नहीं है बच्चों की, एक बात। दूसरी बात ये है कि बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताया ही नहीं जाता, रियलिटी के ऊपर जो एक बात है ना, हमारा माजरत के साथ उस्ताद, इंस्टीट्यूशन, पेरेंट्स क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर हम एवरेज निकालें तो उनको तीन चीज़ों का आइडिया ही नहीं होता, ठीक है। तो वो हम इसके अलावा फिर एक चीज़ और होती है कि अगर कुछ लोग, अगर मतलब लेट्स सपोज अगर 20% लोग इस चीज़ का पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 80% इसका नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो एक मेजोरिटी है वो भी इन्फ्लुएंस करती है आपकी किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने में, ऐसा ही होता है ना। तो एक तो ये भी बड़ा इशू है, फिर जो पॉजिटिविटी वाले लोग हैं जो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव वे के अंदर, उससे प्रोडक्टिविटी भी गेन कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, अब वो 20% जो हैं वो भी कोशिश नहीं करते उस 80% को ओवरकम करने की, यार इसको हम थोड़ा नीचे लेके आए, तो वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन का भी इशू है, लोग कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, एक अवेयरनेस क्रिएट करने का भी इशू है। दूसरा ये है कि हमारा सबसे बड़ा जो यूथ का मसला है, आपको पता है मेरे ख्याल में तकरीबन तो 63% यूथ है हमारे मुल्क की, उसके बावजूद आप हमारे हालात देखें, exactly. उसकी बेसिक वजह ये है कि हम इस चीज़ का प्रॉपरली इस्तेमाल ही नहीं करते। अभी मैं कुछ दिनों से ना डिफरेंट एरियाज के अंदर जाके, मतलब साउथ पंजाब में मैं हर हफ्ते अखबार जा रहा हूँ, पिछले एक माह से मैं सिर्फ सर्वे कर रहा हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके और डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में ना सर्वे कर रहा हूँ, मैं सेशन भी दे रहे हैं, वो ये कि यार पॉजिटिव यूज़ आपने किस तरह से करना सोशल मीडिया को, और आप यकीन कर लें मोबाइल हर बंदे के पास है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर बंदा यूज़ करता है, लेकिन उसमें से अगर 400 बच्चे हैं ना तो वहाँ से 2 बच्चे निकलते हैं जो प्रोडक्टिव इस्तेमाल करें, सिर्फ 2 बच्चे, तो कितने जुल्म और ज्यादती वाली बात है कि हमारे इदारे, हमारी फैमिलीज, हमारे पेरेंट्स तो ये इन चीज़ों के ऊपर डिलीवर जो है ना वो नहीं कर रहे सही तरीके से। तो मेरा मानना ये है कि हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी यूथ को इस चीज़ के ऊपर अवेयर करें, हमारे पास बहुत सारे ये जो हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें पढ़ा लिखा हर बंदा है, वही बात है, पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्स भी हैं, उसके बावजूद उनके इश्यूज़ हैं, उसकी बेसिक वजह जो है वो यही है कि वो या तो सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते, देन उसके बाद दूसरी बात ये है कि वो उनको वो कॉपी करते हैं चीज़ों को, हम ना सुन में गोरे को कॉपी करने में के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम ऐसा ही होता है ना, आप हमारी जो लोगों की, हमारी यूथ की आप उनकी कटिंग्स देख लें, ड्रेसिंग देख लें, चीज़ें देख लें, वे ऑफ उनका टॉकिंग स्टाइल देख लें आप, तो बड़ा अजीब सा सिस्टम मिक्सअप हुआ पड़ा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि आप लोगों को जो आप हैं, आप अपने आप को उसी पोजीशन में एक्सेप्ट करें, फिर आप अपनी ग्रूमिंग देखिएगा, आप इंशाल्लाह ग्रो अप कर जाएंगे। बड़ा वो ज़बरदस्त एक पॉइंट है कि अगर आप इन सब चीज़ों को डिग्री होने के साथ साथ अपने स्किल्स को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर हमने कोई 5 साल पहले की डिग्री ली है और अब की डिग्री में बहुत फ़र्क है, तो हमें अपने आप को उस तरह से अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी ही हेल्पफुल टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ सर ने हमारे साथ शेयर किए हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा कम होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं अच्छी अच्छी बातें करें। लास्टली मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि स्पेशली हमारे यूथ को आप कोई मैसेज देना चाहें।
देखें जी, यूथ को अगर मैं अपना प्रैक्टिकली अगर ये बात करूँ, जितना मुझे 4 से 5 साल हो गए अपने बिजनेस के अंदर आते हुए, तो यूथ के अंदर जो मैंने सर्वे किया है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि हम लोगों का जो एक स्किल सेट है ना, वो बेहतर नहीं होता। अगर हम स्किल्स की बात करें, क्योंकि हमारा टॉपिक स्किल्स के ऊपर है, और पाकिस्तान के अंदर ही आजकल एक इतनी हाइप क्रिएट हुई हुई है टेक्नोलॉजी को लेके, स्किल्स को लेके, तो उसका बेसिक जो है वो इस यूथ को, ये मेरा मैसेज होगा कि आप लोग जो सीखा है आपने उसी के ऊपर आप कायम दायम रहें, अपने आप को थोड़ा सा जो है वो कोशिश करें कि यार मैंने इसके ऊपर सस्टेन करना है, इसी के ऊपर सर्वाइव करना है, और उसी के एक्सपर्ट बने, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो है वो आप जो आप हैं ना, वो आप अपने आप को उसी पोजीशन के अंदर एक्सेप्ट करें, अपने आप को दूसरों की तरह बनना और बनाने के चक्कर में आप अपना आप ही खो बैठते हैं। यह बहुत बड़ा मसला है हमारे यूथ का। आप अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं साजिद हूँ, तो मैं अपने आप को साजिद ही एक्सेप्ट करूँ, ठीक है? तो एक ये चीज़ है। तीसरी जो बड़ी बात यूथ के अंदर वो ये है कि वो, मैंने एक पोस्ट सोशल मीडिया पे देखी थी, तो उसके अंदर ना उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो 6 महीनों के लिए मर जाएं। तो ये मैं बात करूँगा कि अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं ना अपने, तो कम अज़ कम अपने उसी स्किल को ले कर या उस डिग्री को ले कर, किसी भी अपनी एक्सपर्टी को ले कर 6 माह उसको ज़रूर दें। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़े, आप उसके ऊपर मेहनत करें, नेक नीति से मेहनत करें, इंशाल्लाह आप जो है वो कामयाब होंगे। और एक बात, आखिरी बात, कि इस सोशल मीडिया के जितने भी टूल्स हैं, जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा मैसेज और बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी बातों से मुझे, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, स्पेशली यूथ को, कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं पता हम लैग कहाँ कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ जब ये आप वीडियो सुनेंगे आपको खुद समझ आएगी कहाँ आप लैग कर रहे हैं, किन स्ट्रेटजीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, और कौन सी मैनेजमेंट स्किल्स हैं जो एक इंसान के अंदर होना पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।